तरीके से सबको अधिकार है प्रजातंत्र के अंदर अपनी मांग उठाने का, अपनी मांग सरकार से मनवाने का, कैसे अनुशासन में और शांति से किसान जा रहे हैं। अगर सरकार ने इन किसानों के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करी या कोई बदतमीजी करी, हम पूरी दिल्ली को घेरने का काम करेंगे। हाँ, अगर किसानों के साथ सरकार ज्यादती करती है या बदतमीजी करते हैं, हाथापाई करते हैं, तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। किसान जो भी फैसला ले लेता है उसको पूरा करने का काम करता है। हम सरकार से कहना चाहते हैं और चेतावनी देना चाहते हैं सरकार से, भाई सरकार इस प्रकार की अठफर्मी ना दिखाए, सरकार तानाशाही ना दिखाए, बल्कि उनकी बात सुनने का काम करे। देखो, किसान संगठन दिल्ली जा रहे है और अब शांतिपूर्ण तरीके से सबको अधिकार है प्रजातंत्र के अंदर अपनी मांग उठाने का, अपनी मांग सरकार से मनवाने का। तो सही तरीके से अनुशासन में और शांति से किसान जा रहे हैं। अगर सरकार ने इन किसानों के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करी या कोई बदतमीजी करी, हम पूरी दिल्ली को घेरने का काम करेंगे। और जैसे ही किसान ऊंचाना पहुंचेंगे तो हम इनका स्वागत भी करेंगे, इनका चाय पानी का प्रबंध भी करेंगे और खाने पीने का भी प्रबंध करेंगे। अगर किसानों के साथ कोई हाथापाई होती है, हाँ, अगर किसानों के साथ सरकार ज्यादती करती है या बदतमीजी करते हैं, हाथापाई करते हैं, तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और उनका साथ देने का काम करेंगे। कौन कौन से संगठन इसके अंदर मौजूद रहेंगे? देखो, किसानों के काफी संगठन है जो पंजाब से दिल्ली कुछ करने का प्रोग्राम बना रहा है। कुछ संगठन किसानों के हरियाणा के भी है। तो किसान मोर्चा का तो दिल्ली जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन अगर किसानों के साथ छेड़खानी होती है या बदतमीजी होती है, किसान हमारे भाई है, प्रजातंत्र के अंदर सभी को अपनी जायज मांगों को सरकार से मानने का, तो हम उनका साथ भी देंगे, उनका समर्थन भी करेंगे और सहयोग भी करेंगे और उनके खाने पीने की व्यवस्था करने का काम करेंगे। इस बार दोबारा फिर से क्यों जाने का ऐसा करना पड़ा किसानों को? देखो, सरकार ने पीछे 13वें आंदोलन चला था, उस शांतिपूर्वक आंदोलन हमारा चला था और सरकार ने हमारी MSP की गारंटी पर कानून बने, ये मांग थी। किसान मजदूर के कर्जे माफ करने का काम करे सरकार, पराली बिल को निरस्त करने का काम करे। लखीमपुर खीरी के अंदर हमारे 4 निर्दोष किसानों को रौंदा गया था, उसके जो मेन दोषी था उसको गिरफ्तार करने का सरकार काम करे। लेकिन सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी की है और ये वादा खिलाफी का ये परिणाम है कि किसानों का फेरी हो दोबारा। और उस टाइम भी हमने आंदोलन को स्थगित किया था, खत्म नहीं किया था आंदोलन, हमारा चला है, हमारे धरने प्रदर्शन एक जगह चल रहे हैं। अब कुछ संगठनों ने दिल्ली कुछ का प्रोग्राम किया है, तो अगर सरकार ने उनके साथ बदतमीजी की, छेड़खानी करने का काम किया, अगर उनको रोकने का काम किया, तो हम उनका साथ भी देंगे और उनका समर्थन भी करने का काम। संयुक्त किसान मोर्चा की बात आ रही है, तो इस बार संयुक्त किसान मोर्चा इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो क्या कारण? ये संयुक्त किसान मोर्चा की काल नहीं है, ये कुछ संगठनों पंजाब के जो 13-14 संगठन है उन्होंने दिल्ली कुछ का प्रोग्राम किया था और कुछ संगठनों हरियाणा के संगठनों ने उनका साथ समर्थन सहयोग करने का काम किया। पूरे बॉर्डरों पे बैरिकेटिंग की गई किसानों को रोकने के लिए, तो क्या इसमें किसान दिल्ली तक पहुंच पाएंगे? किसान दिल्ली लग जरूर पहुंचेंगे, किसान जो भी फैसला ले लेता है उसको पूरा करने का काम करता है। लेकिन ये सरकार की अठधर्मी है, तानाशाही है, सरकार किसी भी कीमत पर इनको रोकना चाहती है। लेकिन हम सरकार से कहना चाहते हैं और चेतावनी देना चाहते हैं सरकार से, भाई सरकार इस प्रकार की अठधर्मी ना दिखाए, सरकार तानाशाही ना दिखाए, बल्कि उनकी बात सुनने का काम करे। अब आने वाला वर्ष भी चुनावी वर्ष है, अगर सरकार ने हमारी बातों को मानने का काम नहीं किया, तो हम वोट की चोट मारकर सरकार को भी चलता करने का काम करेंगे। पुलिस प्रशासन ने ये भी बात कही है कि किसानों के साथ साथ उपद्रवी भी इसमें शामिल हो सकते हैं, इसके बारे में क्या? देखो, पुलिस प्रशासन का काम व्यवस्था बनाने के रखने का। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।